पश्चिम मयूरभंज सांगठनिक बीजेपी संख्यालघु सेल पक्षरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्म सप्ताह को सेवा सप्ताह भावे पालित हो जाइछि। जिला संख्यालघु सेल सभापति अब्दुल लतीफ नेतृत्व में करंजिया कबर स्थान में वृक्षरोपण और करंजिया उपखंड चिकित्सालय रोगी को फल बंटन करा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रूपे राज्य संख्यालघु सेल सभापति सिकंदर अली, उपसभापति मोहम्मद अनवर उल्ला अली, सांसद करंजिया एनएसी प्रतिनिधि लक्ष्मीकांत राम, ज्योति शंकर दास, लक्ष्मी झंक समेत अनेक कार्यकर्ता जोग देते। मोदी जी का जन्म सप्ताह सितंबर 17 से अक्टूबर 2 तक पूरा देश भर में पालन करा जा रहा है। इसी सिलसिले में आज राधनपुर जिला करंजिया में अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश की सेवा निरंतर रूप से पिछले 10 साल से करते हुए आए हैं। एक ही लक्ष्य है, लक्ष्य अंत्योदय, पंथ अंत्योदय। समाज में हर वर्ग का इंसान, हर जाति का इंसान, सबसे नीचे से नीचे स्तर पर खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति तक हमारा विकास का जो लोकाभिमुखी योजना है उसको पहुंचाने का जो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आज पूरा विश्व उनकी तारीफ कर रहा है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आज करंजिया में करा जा रहा है और एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम किया जा रहा है और यहाँ पर अस्पताल में मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। और सभी मरीज अपने दिल से, मरीजों खुद अपने दिल से बोल रहे हैं, हमको पता है नरेंद्र मोदी जी का जन्म सप्ताह चल रहा है, हम उनके लिए, उनके सुस्त निरामय दीर्घ जीवन के लिए हम खुद मरीजों का कामना कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी बात है। समाज में एक मैसेज जा रहा है, एक वार्ता जा रहा है आम जनता के पास, नरेंद्र मोदी जी के विकास धारा में लोग अपने आप शामिल हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। करण जरूर, सत्यव्रत मिश्रा रिपोर्ट, एन ओडिशा।